डंटोर ये बकवास, मैं इसी वजह से नहीं बना के करता कि आईपीएल दुनिया की नंबर वन लीग है। उसने रात को ये ओपनिंग सेरेमनी करके ना ये उन बगैरतों के मुंह पर चिपेड़ मारी है कि उनको पता चलना चाहिए कि पीएसएल की क्या औकात है और आईपीएल की क्या औकात है। अलरजीत सिंह परफॉर्मेंस दे रहा था, तमन्ना भाटिया परफॉर्मेंस दे रही थी, मतलब पता चल रहा था आईपीएल शुरू हो गया, ग्राउंड देखा था आईपीएल का, 1 लाख से ज्यादा बंदे बैठे हुए थे मैच देखने के लिए, और पीएसएल घंटे हमारे ग्राउंडों में क्या था, पाकिस्तान के ग्राउंडों में छतें उनकी कोई नहीं है, वॉशरूम उनके नहीं है, टूटे पचे ग्राउंड है हमारे पास और 2 या 3 हमारे पास ग्राउंड है जिनमें हम पीएसएल करवाते हैं। और भाईजान इंडिया के ग्राउंड का पता है, ये जो रात को जिस ग्राउंड में मैच हुआ है जिसमें ओपनिंग सेरेमनी हुई है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है, औकात है पाकिस्तान की पीसीबी की इस तरह का स्टेडियम बनाने की, है औकात इस तरह का स्टेडियम बनाने की, नहीं है औकात तो बता दो, बकवास तो बहुत करते हो आप लोग। हम जीटी और गुजरात टाइटंस वाले जीत गए भाई, लेकिन भाई देखे खुशी मुझे तब होती कि सीएसके वाले जीत जाते, क्योंकि एमएस धोनी का दोस्तों ये लास्ट आईपीएल है, तो मैं भी यही चाहता था कि वो जीते, लेकिन भाई राशिद खान ने गेम चेंज कर दिया लास्ट में। भाई क्या है यार ये राशिद खान को पीटो यार, मारो इसको समझ में नहीं आता ये बंदा बॉलर है या भाई क्या है यार ये, लेकिन अच्छा फिनिशर है भाई, उसने 3 बॉल्स में दोस्तों 10 रन्स, बस वही 10 रन्स थे दोस्तों जो मैच किया और उसने किया राशिद खान ने। लेकिन ये एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार दीपक चाहर जब कैसे बोलते हैं अपना 18th ओवर कराया उसने अंगर गेकर ने, हालांकि वो बच्चा है अभी अंडर 19 का प्लेयर से निकला हुआ बच्चा है वो, उसको दीपक चाहर ने समझाया, तो उसने जब राहुल तवाजिया को बॉलिंग की तो उसने बहुत अच्छी बॉल की, उसने राहुल तवाजिया को मतलब टच ही नहीं करने दिया गेंद, क्योंकि वो ऑफ स्टंप ओवर द विकेट अक्रॉस उसके बॉडी की बॉलिंग कर रहा था ऑफ स्टंप, और तवाजिया की ये कमजोरी है, तवाजिया को अगर आप पैड वगैरह के करीब बॉल देंगे तो वो नहीं बचते। विजय शंकर नाम की जो 3D प्लेयर है और वो न जाने कब से 3D प्लेयर है, इस विजय शंकर के चक्कर में 2019 का वर्ल्ड कप भी लग चुका है भारत को, तो भाई ये सारी चीजें अब आपको देखनी होंगी कि ये विजय शंकर का आपको आखिर करना क्या है और अगर करना है तो क्यों करना है। लेकिन इस मैच को घुमाया एक बार फिर राशिद खान ने पहले बॉलिंग से, और आजकल मैं यही बता रहा हूँ लास्ट ईयर आईपीएल से लेकर अब तक की कहानी है कि राशिद खान जब जब बल्ला उठाकर इंटरनेशनल मैचों या कोई लीग मैचों आते हैं तो आप ये समझ लें कि आप किसी बड़े हिटर से जो तसव्वुर करते हैं वो ऐसा करेगा राशिद, वो 2-4-5-7 गेंदों पर कर दिखाते हैं, आज भी अगेन 19वां ओवर जो है वो जिंदगी अधीरे कर चुका है कई लोगों की। ये जो रात को जिस ग्राउंड में मैच हुआ है जिसमें ओपनिंग सेरेमनी हुई है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है, औकात है पाकिस्तान की पीसीबी की इस तरह का स्टेडियम बनाने की, है औकात इस तरह का स्टेडियम बनाने की, नहीं है औकात तो बता दो, बकवास तो बहुत करते हो आप लोग, हम भी इंडिया नहीं वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, बातें तो बड़ी करते हो, है औकात नहीं औकात है, मुझे पता नहीं औकात, औकात यही है हमारी पिंडी स्टेडियम में शादी वाली कुर्सी में बैठ के मैच देखते हैं, लाहौर वाली स्टेडियम में शादी वाली कुर्सी में बैठ के मैच देखते हैं, हमारी औकात यही है कि हम शादी वाली कुर्सियों में बैठ के मैच देख सकते हैं बस, और इंडिया की मैडल देख लो प्रोफेशनल क्रिकेट आईपीएल दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है, वो उससे कोई बड़ी लीग आई नहीं और ना ही मुझे लगता आएगी, मुझे क्या लगता है आनी नहीं है, इतने पैसे आए किसी के पास नहीं है, मतलब क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है यार, इससे ज्यादा अच्छी ओपनिंग सेरेमनी, इससे ज्यादा थ्रिलर मतलब हिस्ट्री क्रिएट वाली ओपनिंग सेरेमनी थी यार, इतनी तो मुझे लगता है कोई बड़े से बड़ा फीफा वर्ल्ड कप है उसकी भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती, नहीं फीफा जो शुरू होता है इसकी कभी देखना ओपनिंग सेरेमनी, उसमें कितने पैसे लगे इसमें कितने लगे हैं, एक घंटा एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं ये जो पीएसएल के वो घंटे के फैंस बैठे हो ना बाबर आजम के, आईपीएल में जो एक बाल गिरेगी ना 72 लाख रुपए चार्ज होने उसके, ठीक है पाकिस्तानी वो 72 लाख बनते हैं। और एक और बात बता दूं घंटों आपको मैं, कि जो आईपीएल के 3 मैच है ना उनकी जितनी फीस है ना, जितनी फीस उन 3 मैचों में लगेगी उतने में 3 के 2 पीएसएल इजिली हो जाते हैं, नहीं ये उकात है पीएसएल टट्टी लीग की, ये उकात है ना, उकात पे आओ, बातें नहीं करनी, देखो बातें नहीं करनी, ये नहीं कह देना कि जी नजम सेठी गंजे की तरह जी पीएसएल की रेटिंग ज्यादा आई आईपीएल से, ये अपने से बातें नहीं करनी, बात वो करनी है रियलिटी, अगर रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है वरना फिर इग्नोर कर दो, बकवास नहीं करनी फिजूल बैठ के। 10 रन्स, बस वही 10 रन्स थे दोस्तों जो मैच जीतने का कारण बने। अब सीएसके वालों को बोलना चाहता हूं, अगर आप लोगों को गुस्सा आया हुआ है तो राशिद खान को मारो भाई भाई सूजी तो हमारी भी है, हमने कहा था कि भाई मुंबई इंडियंस और सीएसके को सपोर्ट कर रही है, लेकिन भाई राशिद खान ने सुझा दी हमारी क्या करें भाई, अभी मेरे को बताओ कि मेरे साथ और किस किस की सूजी है साला। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी और पहले मैच का रोमांच सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले मुकाबले का दीवानी हुई पाकिस्तान मीडिया, बोलिए जिस तरह से सेरेमनी हुई दुनिया में सबसे अलग, पीएसएल में कभी नहीं हो सकता ऐसी सेरेमनी, बोली आईपीएल का रोमांच सबसे अलग है पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। तो दोस्तों क्या आईपीएल का रोमांच पूरी दुनिया में सबसे अलग है,